गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इतने सारे अभी लोटस के फ्लावर खिल रहे हैं और जैसे ही मैं सुबह यहाँ पे आती हूँ तो इतने सारे फ्लावर खिले हुए होते हैं। तो यहाँ पे अभी जो पानी ख़त्म हो गया था टब का, थोड़ा सा कम हो गया था, एकदम ख़त्म नहीं, तो वो भी देना शुरू है। और साथ साथ मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ये लोटस के फ्लावर शेयर करती हूँ। तो देखिए इतने सारे बर्ड्स आए हुए हैं इस पर और बस ये कल तो खिल ही जाएंगे सभी, कल या परसों, और उसके बाद अभी तो कुछ फ्लावर जो लगे हुए थे वो भी झड़ रहे हैं। और ये एक बड़ा सा शायद इसे रानी रेड या कुछ कहते होंगे, इसके नाम मुझे नहीं पता। और मैंने जो आईडी निकाली थी ना तो वो यहाँ वहाँ गमले में सारे लोटस लगा दिए हैं, तो प्रॉपर आईडी आपको अभी किसी से पूछना पड़ेगा जो सेलर है उनसे, तभी ये पता चलेगा। और कुछ न्यूली ये मैंने लोटस भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अभी रिपोर्ट किया है। और इसके जो पहले पत्ते होते हैं वो देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं सूखे हुए से, तो उसे निकाल लीजिए जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं। इस तरह से आपका प्लांट बिल्कुल अच्छा और फ्रेश रहता है। और उसके बाद ये फ्लावर जो आदिति है तो ये भी अभी बहुत दिन हो गया है इसे खिले हुए, शायद इसमें सीड स्पॉट बनेंगे, लेकिन अभी हमें सीड स्पॉट नहीं बनने देना है, नहीं तो फ्लावर का आना बंद हो जाएगा। और बस इसे 15-15 दिन के बाद फर्टिलाइजर डालना कभी भी मत भूलिए, तब जाके इसके लीव्स और इसके फ्लावर बहुत सारे प्रोड्यूस करेंगे और आपका बगीचा जो है ना वो फूलों से भरा होगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है ये कैलिडियम, इनको मैं कैसे डिवाइड करती हूँ। तो मेरे जो कुछ कस्टमर थे उन्होंने देखिए कैलिडियम मुझसे मांगे थे, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे अभी हो गए हैं। और मुझे कुछ न्यू जो कैलिडियम थे वो मैंने परचेस किए थे जो बहुत ही महंगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ सेट इनमें से सेल कर देती हूँ ताकि उसी के पैसे से और भी नए कैलिडियम आ सके। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसमें से कुछ जो 3-4 लोग थे उनको, उन्हीं को मैंने ये प्लांट दिए हैं। ज़्यादा मैंने ऑर्डर नहीं लिए हैं, हर एक के 5-5, 6-6 ऐसे प्लांट थे और किसी किसी के तो एक कलर के 2-2 कैलिडियम थे। तो इस तरह से इन सभी को मैंने देखिए निकाल लिया है। अभी ये एक ही कलर है और कुछ एक जो कस्टमर है उन्हें 2 चाहिए और बाकी जो है उनको एक ही, ऐसे कुछ 4 या 5 प्लांट होंगी ये मैंने निकाले हुए, 4 प्लांट हैं निकाले हुए। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कैसे किया था। और जो मदर प्लांट है वो अब यहाँ पे मैंने शेड में रख दिया है, अभी भी मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं वैसे अगर देखा जाए तो। तो चलिए इसको कैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, डिवाइड करती हूँ आपको बताती हूँ। तो इसे गमले से मैंने निकाल लिया है और बाकी जो मेरे जो कैलिडियम के बल्ब थे उनको तो मैंने फिर से रिपोर्ट कर दिया, यानी पूरा गमले से बाहर निकाल कर रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन ये जो थे ना ये बिल्कुल डॉर्मेंसी में गए नहीं और इस वजह से इन पे पत्ते थे। तो मैंने इनकी मिट्टी भी चेक नहीं करी और उसके बाद जो है ना कि इसमें फर्टिलाइजर बस गुड़ाई की और फर्टिलाइजर डाल दिया। तो जब मैंने इन बाकी सब कैलिडियम को जब निकाला तब मुझे दिखा कि इनके जो बल्ब थे वो ना गलने लगे थे। और अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस वजह से जिनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था उन सभी को मैंने रिपोर्ट किया है। तो देखिए सबसे पहले सॉइल को बिल्कुल ऐसे हाथों से एकदम से देखिए ऐसे इजी कर देंगे बल्ब को निकालने में। और जो यह हमारी जो मिट्टी है उसमें देखिए ये मैंने इस रेशो से ये मिट्टी बनाई थी, ये भी बहुत ही अच्छी है, वेल्ड्रेन है, लेकिन इसमें और मैं थोड़ी सी रेट डालूंगी मुझे ऐसा लगता है, तो इसमें थोड़ी सी रेट डालूंगी ताकि ये और भी वेल्ड्रेन हो जाए। उसके बाद ये फर्टिलाइजर है जो सब मिक्स में डालती हूँ अपने सारे पौधों के लिए, वही सब है। उसके बाद पहली बार मैंने इसमें अभी राइस हस्क ऐड किया है अपने सारे कैलिडियम में जो भी मैंने रिपोर्ट किए थे, तो इसमें बाकी रह गया था ताकि जो ये जो राइस हस्क है इसमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन भी होता है और उसके साथ साथ ये कंपोस्ट का भी काम करता है। तो मैंने इस तरह से ये सॉइल बनाई है, ये देखिए बारिश में भी ये सॉइल अच्छी लगती है, सिर्फ पौधों में पानी नहीं रुकना चाहिए। तो ये जो बल्ब थे उनको मैंने निकाल लिया और इनको अलग करने से पहले मुझे लगा कि अगर पानी में ये सारी मिट्टी जो है वो जल्दी निकल जाएगी और अच्छी तरह से हम इन बल्ब को अलग कर पाएंगे। तो देखिए पूरी मिट्टी निकल गई है इसकी और अभी इसके बल्ब तो मुझे ऊपर से अच्छे ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी तो देखिए
ये एक बल्ब मैंने लगाया था और आप देख सकते हैं कि कितने हो गए हैं, कुछ 6 या 7 हो गए हैं। तो धीरे धीरे से बिल्कुल इनके जो रूट होते हैं ना, ये एक दूसरे में इतने उलझ गए हैं कि इनको बिल्कुल आराम से निकालना होगा, नहीं तो जो ऊपर वाले जो प्लांट की स्टिक अगर टूट जाएंगी ना, तो फिर से बल्ब से प्लांट निकलने में 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल धीरे से आपको निकालना है। तो ये 1-2 प्लांट बन गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से भी, और बहुत ही हेल्दी, ये 1 साल में बहुत ही हेल्दी बल्ब ये ग्रो हुई है। अभी मेरे सिर्फ एक ही लगाया था जैसे मैंने आपको बताया था। और ये देखिए, कुछ प्लांट मैंने बल्ब से लगाए थे और कुछ मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे, और इनके बल्ब कहेंगे या ट्यूबर कहेंगे, शायद बल्ब ही कहेंगे। तो इस तरीके से इन एक एक को मैंने ऐसे अलग कर दिया। तो इसमें से भी मुझे कुछ, ये देखिए, बस ये हो जाता है अगर थोड़ी सी भी जल्दी करी ना, तो इस तरह से प्लांट का नुकसान हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा टूटा यहाँ से, तो जहाँ से हम इसे कट कर देते हैं तो वहाँ से इसको फंगिसाइड लगाएंगे ताकि हमारा जो बल्ब है ये ना गले। तो मुझे ये देखिए, एक प्लांट से कितने सारे ये प्लांट अभी मिल गए हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट ये बन जाएंगे। इससे फिर से 5-6 और 1 साल में बढ़ेंगे। ये पूरा जो गमला है ना, एकदम से बुशी दिखेगा, और ये बहुत ही, इसके जो लीव्स है ना, बहुत ही बड़े बड़े हैं इस वैरायटी के। और इसको भी हम देखिए, इसको भी हम जाया नहीं जाने देंगे। और उसके बाद एक इसको फंगिसाइड लगाकर मैंने एक छोटे से इसमें लगा दिया है गमले में, और ये भी लग ही जाएगा जैसे मैंने पहले भी लगाए थे ऐसे ही। और देखिए, जो मैंने सॉइल थी पुरानी वाली, उसमें राइस हस्क और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिलाया है, थोड़ी सी रेत भी मिलाई है, और इसी में ये न्यू प्लांट जो है मैं वो लूंगी। तो यही सब काम चल रहा था, और इतने सारे प्लांट मुझे रिपोर्ट करने थे। तो बिल्कुल सुबह से आई थी और जो काम में लग गए ना, तो ये काम पूरा करने लगे। लेकिन तभी सभी आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या क्या हुआ एक दिन में। और इस तरह से देखिए, इसके जो बल्ब है उसको पकड़ेंगे, और ये थोड़ा सा फंगिसाइड जो गिरा हुआ था वो इसमें डाल देंगे ताकि रूट को कोई भी फंगस ना लगे, या ये जो बल्ब है ना ये ना गले। इस वजह से महीने में एक बार तो आपको डालना ही पड़ता है। और बारिश के दिनों में जैसे मौसम चेंज होता है ना, उस वक्त आप तो एक स्प्रे कीजिए, नहीं तो आप इसके रूट में डालिए। फंगिसाइड का बहुत ही मेन रोल होता है बारिश के पानी में। अभी जैसे ही मेरे यहाँ पे बारिश हुई है, तो मैंने अभी फंगिसाइड सभी प्लांट में दे दिया है। तो इससे क्या होता है, जो भी मौसम चेंज होता है ना, उससे हमारे प्लांट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी रूट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे देखिए, मेरा प्लांट भी अभी लग गया है, इसे मैं कुछ दिन रखूंगी शेड में। और ऐसे करते करते ये सारे जितने भी मेरे 6-7 कैलिडियम थे, उनको सभी को मैंने निकाल लिया है। किसी को 4 चाहिए, किसी को 6 चाहिए, ऐसे कुछ सिर्फ 2-3 ही ऑर्डर थे, बहुत ज़्यादा ऑर्डर मैंने नहीं लिया है। और बस बारिश शुरू हो गई, और ये देखिए पूरा ऐसे बिखरा हुआ है मेरा गार्डन अभी, क्योंकि जो बालकनी में जो कलांचू थे वो सारे मैंने अब कैलेडियम की जगह पे रखूँगी। और जहाँ पे कलांचू बालकनी में रखे हुए थे वहाँ पे मैं अभी कैलेडियम रखूँगी, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है। और इस वजह से सबको मैं यहाँ पर लाई हूँ, और वहाँ का भी सेटअप करना है। लेकिन तभी बारिश की बूंदें आने लगी, और फिर क्या था कि देखते ही देखते बारिश का पानी, और यहाँ पे सारे पौधे सब भीग गया, और सब काम ऐसे बिखर गया है। और इसी वजह से जो रेलिली के भी ऑर्डर है ना, वो डिस्पैच करना बहुत ही लेट हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी तो ये बारिश चल रही है, तो देखती हूँ कितना काम करना अभी होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।